थोड़ा हॉट से हटिए, कोल्ड से हटिए, चिल्ड मैंगो सूप बनाएंगे और उसमें शपैंग डालेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर एंड ब्लैक पेपर। देखते जाइए, बड़ी आसान सी रेसिपी है और आप आम का पन्ना या आम का और कुछ आइसक्रीम सर्व करने के बजाय इसको सर्व कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस रेसिपी की। इसके लिए हमें लगेगा एक ब्लेंडर। इसमें हम डालेंगे छीले हुए आम, इनको थोड़ा छोटा टुकड़ा करना है इसका। जब भी मैं आम काटता हूँ या कोई भी आम काटता है तो अक्सर क्या होता है, ऐसे हो जाता है, आधा आम तो बनाने वाला ही खत्म कर देता है। आम की यही तो खासियत है। इसमें शपैंग के लिए जैसे मैंने कहा था जिंजर डालेंगे। जिंजर को एकदम बारीक स्लाइस करना है हमने, हल्का सा अदरक डालना है क्योंकि अदरक जैसे आपको पता होगा बहुत तेज इंग्रेडिएंट है। थोड़ा सा आइस जाना है क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया आपको ये चिल्ड सूप है, तो इसको चिल करने के लिए इधर आप इसको बर्फ के साथ ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप इसको पहले ही बना के फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी, क्या बन गया है, एकदम मैंगो मक्खन वाला। आज हमने जामपना के लिए ये बढ़िया सा ग्लास चुना है। दिस इज अ रेगुलर मार्टिनी ग्लास। आपने इस ग्लास में उतारना है, ये जो आपने इसका ब्लेंडिंग जो था वो बर्फ के साथ किया है तो ये बहुत फूल जाता है, इट बिकम्स वेरी लाइट। इसको हम गार्निश करने के लिए एक थोड़ा सा स्वर्ल डालेंगे ब्लैक पेपर का, हल्का सा ब्लैक पेपर आ गया इसमें। तो इसमें हमने दो हॉट स्पाइसेस डाल दिए। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिंट, छोटा सा लीफ निकालना है आपने और इसको गार्निश कर देना है। तो तैयार हो गया हमारा चिल्ड मैंगो एंड जिंजर सूप। जहां पना को आपके भी किचन में ले आइए। देख लीजिए इसका एक क्विक रिकैप। चिल मैंगो सूप बनाने के लिए एक मिक्सी में एक डाइस किया हुआ आम, 5 ग्राम अदरक, 7 से 8 आइस क्यूब्स और 50 ml पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस सूप को मार्टिनी ग्लास में डालकर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और एक मिंट स्प्रिग से सजाकर चिल सर्व करें।